Let's begin the third chapter of electronic commerce which is internet consumer and market research Consumers are the focal point of every organizations and all the activities and all the functions that perform the organizations are basically for the consumers

कंज्यूमर बिहेवियर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम कंज्यूमर बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स एंड इट्स द प्रोसेस जिसमें हम वी चूज़ वी यूज एंड डिस्पोज ऑफ प्रोडक्ट्स हम अपने कंज्यूमर प्रोडक्ट को चूज़ करता है पहले फिर उसके बाद उसको डिसाइड करता है कि किसको चूज़ करेगा और फिर उसको एक्चुअल में यूज़ करता है इट्स आल्सो इंक्लूड द कंज्यूमर्स इमोशंस देयर मेंटल स्टेट देयर बिहेवियर रिस्पॉन्स सो कंज्यूमर बिहेवियर ऑल

मॉडल बाय फ्लिप कॉटलर। दिस इज द मॉडल बेसिकली जिसमें हम अपने कंज्यूमर के हर एस्पेक्ट को स्टडी करेंगे हमें uh, हमारे क्वेश्चंस यही होते हैं कि व्हाट आर आर कस्टमर्स हाउ दे बिहेव व्हाट विल दे परचेज व्हाट विल दे नीड्स एंड वांट्स आर सो ये मॉडल हमें हर तरह से जो है वो हेल्प uh, करेगा सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि द कंज्यूमर्स रिएक्शन इज बेस्ड ऑन द स्टीम्यूलाई ठीक है स्टिमुलाई जो है वो हमारे इन्वायरमेंट से होता है स्टिमुलाई कोई भी हमारा जो है फैक्टर हो सकता है कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि हमारी आ, हमारे कस्टमर को अफेक्ट करता है हमारे कस्टमर्स को इनक्रेज करता है हमारी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए सो ये स्टिमुलाई कोई भी हो सकता है ठीक है यहाँ पर हम देखते हैं अगर हम स्टिमुलाई की तरफ देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है मार्केट स्टिमुलाई कुछ नीड्स हमारा मार्केटर क्रिएट करता है ठीक है वो हम कभी कभी प्राइस को देखकर प्रोडक्ट परचेज करते हैं ब्रांड को प्रमोशन प्रोडक्ट क्वालिटी और क्वालिटी ये सारी वो चीज़ें हैं जिसको देखकर हम जो है कंपनी का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए रेडी होते हैं ये बेसिकली मोटिवेट करते हैं हमारे कस्टमर्स को कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज करें ठीक है हाँ पे साइड में मेंशन है कि वेंटर वेंडर कंट्रोल इंटरवेनिंग वेरिएबल्स ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि हमारा वेंडर जो है वो कंट्रोल कर रहा है हमारा सेलर हमारा मार्केटर कंट्रोल कर रहा है मार्केटर ये नीड क्रिएट कर रहा है उसके अलावा दूसरे स्टिमुलज भी हो सकते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं और वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है वो हम टेक्नोलॉजी की बेस पर भी कर सकते हैं वो हम इकोनॉमिकली वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है तो भी परचेज़ कर सकते हैं पोलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होता है कल्चरल इन्फ्लुएंस भी होता है कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है जो के हमें इंडल्ज करता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए ठीक है तो ये फर्स्ट स्टेप है हम आपके मॉडल का कि कोई भी स्टिमुलाई चाहे वो मार्केटिंग स्टिमूलाई हो चाहे वो आपके अदर स्टिमुलाए हो हम अब वो आपके कंज्यूमर को क्या कर रहे हैं मोटिवेट कर रहे हैं आपका प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जब आपका कंज्यूमर मोटिवेट हो जाएगा तो वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगा ठीक है यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचेगा क्योंकि आपको देखिए मार्केटिंग की एडवर्टीजमेंट देखी आपने या फिर आपने अपने फ्रेंड से सुना या फिर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी आपको तो आपने डिसाइड कर लिया कि आई हैव टू नीड द दैट प्रोडक्ट आई हैव नीड टू बाय दैट प्रोडक्ट तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज करना है अब यहाँ पर आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है कि आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं हम ये प्रोसेस बाद में पढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि हम उसको परचेज़ करने के लिए रेडी हो चुके हैं अब जब आप उसको परचेज़ करने के लिए रेडी हो गए तब कोई भी कंज्यूमर जब परचेजिंग करने लगता है तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं हमारे कंज्यूमर को प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए जो भी जब भी कोई भी कंज्यूमर अपना डिसीजन मेकिंग करने लगता है तो उसके कुछ पर्सनल इलेक्ट्रिस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ इन्वायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि उसको हेल्प आउट करते हैं जैसे कि यहाँ पे इसने लिखा है इंडिपेंडेंट अनकंट्रोलेबल वेरिए वेरिएबल्स ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि आपका मार्केटर कंट्रोल नहीं कर सकता आपकी एज आपका जेंडर आपका लाइफ आपकी एजुकेशन आपका जो साइकोलॉजिकल नॉलेज है वैल्यूज़ है पर्सनैलिटी है ये वो चीज़ें हैं जो कि आपकी इंटरनल हैं आपके एटीट्यूड्स आपके बिहेवियर्स आपकी पर्सनैल इट कान बी कंट्रोल्ड बाई मार्केटर ठीक है जब भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने लगता है कस्टमर ये सारी चीज़ें हेल्प आउट करती हैं हम अपनी एज के अकॉर्डिंग अपने लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना दूसरे जो होते हैं वो आपके फैक्टर्स हो सकते हैं इन्वामेंटल जैसे कि हम अपनी सोसाइटी को देखते हुए प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं हम जो है वो शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहन सकते हमें दुपट्टा ज़रूर लेना है तो ये भी चीज़ें हमें हेल्प आउट करती हैं कल्चर और कम्युनिटी को देखते हुए हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं उसके अलावा लीगल इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंटल रेगुलेशन पोलिटिकल टेक्नोलॉजिकल ये सारे जो है इन्वायरमेंटल कैरेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं जिसको देखते हुए अपनी फैमिली को देखते हुए अपनी कम्युनिटी को देखते हुए फिर ही हम प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं यानी कि इन सिंपल वर्ड्स जब भी कोई भी कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग करता है तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि कंज्यूमर्स को इंटरनली हेल्प आउट खड़े होते हैं या फिर एक्सटर्नली हेल्प एक्सटर्नलीउट खड़े होते हैं कि इस तरह का प्रोडक्ट तुम परचेज़ कर सकते हो ठीक है जब उसने सारा कुछ डिसाइड कर लिया है कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं इन सब फैक्टर्स की बेस पर वो डिसाइड करेगा कि वेदर आई हैव टू परचेज़ द प्रोडक्ट और नॉट वो डिसाइड हो गया अब यहाँ पर देखें यहाँ पर आप पहुँचेंगे ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं ये रिजल्ट्स हैं बाय और नॉट क्या मैं परचेस करूँ कि नहीं करूँ वट टू बाय आई हैव टू बाई दैट प्रोडक्ट या मुझे कोई और जो है वो इसका अल्टरनेटिव चूज़ कर लेना चाहिए उसके अलावा वेयर कोई भी वेंडर डिफरेंट वेंडर हो सकते हैं मतलब अगर आपने एक जो है वो सॉल भी परचेज करना है तो वो भी डिफरेंट कंपनीज आपको प्रोवाइड कर रही होती हैं तो वो वेंडर भी आप डिसाइड करते हो वेन कि मुझे कब परचेसिंग करनी है ठीक है इन सब में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन होता है वट टू बाई एंड बाय आर नॉट ठीक है तो आपका कंज्यूमर ये डिसाइड करता है कि मुझे ये प्रोडक्ट परचेज़ करना है या नहीं करना ये है आपके वो फैक्टर्स जो कि आपको परचेजिंग में जो ज़रूरी है नीचे अगर आप देखो इस मॉडल के जो नीचे आपका एक कॉलम बना हुआ है वेंडर्स कंट्रोल सिस्टम है ये कि आपका ये वो चीज़ें जो कि आपका वेंडर कंट्रोल करेगा आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट देगा मतलब अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो आपके सिक्योर सॉकेट लेयर होगी कि आप कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को जो है वो धोखा नहीं दे सकता आपने उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी होगी पीछे से लॉजिक रूल्स एंड रेगुलेशन हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है कि आपको नए नए फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं नई नई एप्स प्रोवाइड की जाती हैं कस्टमर सर्विस ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की जाती है पेमेंट डिलीवरी के लिए सिस्टम्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको वेब डिजाइनिंग है इंटेलिजेंट एजेंट्स हैं जो कि आपकी नीड्स को रिकोगनाइज कर लेते हैं उसके अलावा आपको फैक्स ई कॉल सेंटर्स मतलब आप ये कस्टमर uh, सर्विस है ना ये कि आप ऑनलाइन जो है वो अपना इंटरेक्ट कर सकते हो कंज्यूमर अपने वेंडर uh, के साथ तो कस्टमर सर्विस आपको इस तरह से प्रोवाइड की जाती है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट आपको इस तरह से प्रोवाइड की जाती है और लॉजिस्टिक्स आपको इस तरह से प्रोवाइड की जाती है मतलब जब आप ऑनलाइन परचेजिंग कर रही हैं जब हमारा कस्टमर डिसाइड करता है कि परचेज़ करना है कि नहीं करना ये चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प आउट करती हैं यानी कि ई e कॉमर्स का ये रोल है बाइंग uh, बिहेवियर में ठीक है तो जब हम कंज़्यूमर बिहेवियर मॉडल को स्टडी करते हैं तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स uh, आते हैं द फर्स्ट पॉइंट इज़ टाइप्स ऑफ मार्केट्स और टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स एक होते हैं हमारे पास इंडिविजुअल कंज्यूमर्स दूसरे होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स इनको हम इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशनल बायर्स भी कह सकते हैं कंज्यूमर्स और बिजनेस मार्केट्स भी कह सकते हैं मतलब एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम्स हैं मल्टीपल नेम्स हैं सबसे पहले है अगर हम कंज्यूमर मार्केट की बात करें कंज्यूमर और इंडिविजुअल मार्केट यह आपको पता है कि जब कोई भी पर्सन अल्टीमेटली खुद यूज़ करने के लिए कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है वो आपका इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है दूसरा आपका बिज़नेस बायर कहलाता है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बायर कहलाता है जो कि शॉपिंग करते हैं साइबर स्पेस पे और uh, इसमें आपकी कंपनीज़ आ जाती हैं गवर्नमेंट्स आ सक आ जाती हैं पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो बेसिकली बिजनेस टू बिज़नेस कॉमर्स जो है वो आपकी बिज़नेस बायर्स uh, के साथ होती है इन्होंने अपने यूज़ के लिए प्रोडक्ट परचेज़ नहीं करना होता बल्कि फर्दर आगे से सेलिंग के लिए यूज यूज़ करना होता है है उसके इलावा जो है है ठीक उसके अलावा जो इसने नीचे मेंशन भी किया कि स एंड हाउस होल्ड मेम्बर्स इंटेंड टू कंज्यूमर द दर्चेज प्रोडक्ट्स एंड डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स टू मेक आ, फर्दर प्रोडक्ट्स वो आपके कंज्यूमर मार्केट्स हैं और आपके बिजनेस मार्केट्स वो हैं जिन्होंने आगे से फर्दर प्रोडक्ट बनाकर सेल आउट करना होता है ठीक है नेक्स्ट बाइंग बिहेवियर को डिफाइन किया गया है और कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को उसके अलावा अगर हम देखें हम ऑनलाइन बात करें अगर तो हमारे कंज्यूमर्स के डिफरेंट शॉपिंग एक्सपीरियंसिस हैं जिनको हम डिफाइन uh, कर सकते हैं कुछ हमारे कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने uh, मतलब वाकई ही परचेजिंग करनी होती है समटाइम्स हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो जस्ट विंडो शॉपिंग रहे होते हैं हम ऑनलाइन हर चीज़ चेक करते हैं पर परचेज़ कुछ नहीं करते हमारी इंटेंशन ही नहीं होती कुछ परचेज़ करने की ठीक है लेकिन कभी कभी हमने प्रॉपरली कोई प्रोडक्ट ही परचेज करना होता है तो हम शॉपिंग एक्सपीरियंस को ऑनलाइन शॉपिंग एक्सपीरियंस को दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं कुछ हमारे जैसे कि अभी पीछे हमने इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑर्गेनाइजेशन बायर्स को जो है वो डिफ़ाइन किया है उस तरह से हम कंज्यूमर की टाइप को एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी डिफाइन कर सकते हैं पहले होते हैं आपके पास यूटिलिटेरियन ठीक है यूटिलिटेरियन बायर्स वो होते हैं जिन्होंने वाकई ही कुछ परचेज करना होता है ठीक है दे आर इंटेंडेड टू परचेज समथिंग जिन्होंने कोई वाकई कोई एक्टिविटी परफॉर्म uh, करनी होती है जिनका कोई गोल होता है ऑनलाइन शॉपिंग का दूसरे होते हैं आपके पास हैडोनिकडॉनिक बेसिकली एंटरटेनर्स जो कि ऑनलाइन शॉपिंग को जस्ट एक एंटरटेनमेंट के तौर पर देखते हैं और वो कहते हैं कि रिज अर फन एंड आई आई लव इट और वह इंटरटेनमेंट के लिए जस्ट मतलब लिया टाइम में आप कोई भी वेबसाइट ओपन करके ऑनलाइन शॉपिंग कर लो वो कहलाते हैंडॉनिक बायर्स और यूटिलिटेरियन यूटिलिटी से पता चल रहा है कि उन्होंने वाकई कुछ परचेज करना है उसके अलावा अगर हम अपने कंज्यूमर्स uh, को uh, uh, मजीद डिफ़ाइन करें तो हम अपने कंज्यूमर्स को कैटेगराइज कर सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी कि कुछ हमारे पास ऐसे बायर्स uh, होते हैं जो कि इम्पल्सिव होते हैं इम्पल्सिव बायर्स आर दोज़ दैट परचेज प्रोडक्ट वेरी क्विकली इनको हम इनोवेटर्स भी कह सकते हैं कि कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले यही परचेज़ करते हैं विदाउट एनी फर्दर कंपेरिज़न और uh, इंक्वाइरी वो ये प्रोडक्ट जल्दी से परचेज़ कर लेते हैं मतलब दे आर इनोवेटर्स उनको नई चीज़ें चूज़ करने का मजा आता है दूसरे हमारे होते हैं पेशेंट बायर्स जो कि थोड़ा बहुत टाइम गुजरने के बाद कुछ थोड़ी बहुत कंपेरिजन्स करेंगे और फिर परचेजिंग करेंगे उसके बाद आ जाते हैं एनालिटिकल एनालिटिकल मतलब जो प्रॉपर्ली एनालाइज करेंगे आपके प्रोडक्ट को प्रॉपरली सब्सटेंशियली रिसर्च करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मतलब पूरे प्रोसेस से गुजरेंगे फिर उसके बाद प्रोडक्ट परचेज करेंगे उसके बाद आ जाते हैं विंडो शॉपर्स विंडो शॉपर्स आर जस्ट ब्राउजर्स जो कि ब्राउज करते हैं और uh, मतलब अपने नए टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग को इन्जॉय करे होते हैं ठीक है दे डोंट हैव टू बाय समथिंग जस्ट एंटरटेनमेंट ठीक है ये हम एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने कंज्यूमर को डिफाइन कर सकते हैं उसके अलावा जो है आपने जो पढ़ी है मॉडल उसमें एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि हम यहाँ तो ये देख सकते हैं कि हमने अपने जो प्रोडक्ट सेल करने हैं वो डायरेक्टली सेल कर सकते हैं कुछ कंपनीज डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट सेल करती हैं वन टू वन रिलेशनशिप होता है प्रोड्यूसर का जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपके कंज्यूमर के साथ ता कोई भी इंटरमीडरी इन्वॉल्व नहीं होता दूसरी स्टेट आ जाती है इंटरमीडरीज की चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं इंटरमीडरीज जो हैं जैसे कि आपके पास होल सेलर्स आ जाते हैं आपके पास रिटेलर्स आ जाते हैं ये वो लोग हैं जो कि आपके कंज्यूमर आपके प्रोड्यूसर से प्रोडक्ट उठाकर आपके कंज्यूमर तक लेकर जाते हैं ठीक है और उसके बाद अगर डायरेक्टली सेल करेंगे तो कस्टमर रिलेशन आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा इनडायरेक्टली सेल करेंगे यानी कि इंटरमीडियट्स के थ्रू तो भी हमें कस्टमर रिलेशंस को मेंटेन करना ही होता है बिकॉज कंज्यूमर्स आर द फोकल पॉइंट हम कंज्यूमर्स के बग़ैर कुछ भी नहीं है तो चाहे हम डायरेक्टली सेल करें चाहे इनडायरेक्टली सेल करें कंज्यूमर के साथ एक रिलेशनशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमने मॉडल भी देखा है कि हम पर्सनल uh, करेक्टरिस्टिक्स और इन्वायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट बनाते हैं अपने कंज्यूमर्स के लिए रिटर्निंग टू और बेसिक मॉडल बाकी चीज़ें तो हमने देख ली कि ई कॉमर्स कैसे हेल्प करता है स्टीमुलय क्या है और ये जो आपके करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम बहुत डिटेल में पहले मार्केटिंग में मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं कि एच आर ए में भी हमने पढ़ा है कि एज जेंडर वगैरह किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है तो यहाँ पर हम उसको नहीं करेंगे हमारा जो फोकल पॉइंट है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो कि मैंने आपको कहा है कि जब स्टिम्यूलाई किसी भी पर्सन को स्टिमुलेट करता है मोटिवेट करता है कि वो ये प्रोडक्ट परचेज करे और वो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है तो वो डिसीजन मेकिंग किस तरह से करता है और नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नो दैट विच इज़ कंज्यूमर परचेजिंग डिसीजन मेकिंग कि एक कंज्यूमर परचेजिंग किस तरह से कर सकता है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है पूरा जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ रोल्स को भी डिस्कस करना है कि जब भी कोई भी एक सिंगल पर्सन परचेजिंग करने लगता है तो वो अकेला परचेज नहीं बल्कि बहुत सारे रोल्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है कुछ लोग होते हैं जिनको हम कह सकते हैं इनिशिएटर इनिशिएटर्स बेसिकली आर जो कि आपको कर करे होते हैं जो कि आपको पहली दफा सजेस्ट करते हैं आपको आइडिया देते हैं कि यू शुड परचेज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट ठीक है ये आपको फर्स्टली आइडिया दे रहे हैं दूसरे लोग वो होते हैं दूसरा, मतलब बेसिकली ये पर्सन के रोल हैं हो सकता है कि कोई अकेला पर्सन ही ये सारा रोल परफॉर्म कर रहा हो हो सकता है कि डिफरेंट पर्सन मिलकर ये रोल परफॉर्म कर रही हूँ ठीक है दूसरा रोल आ जाता है आपके पास इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंसर्स आर बेसिकली वो पर्सनस हैं जो कि आपको एडवाइस देते हैं और थोड़ी उनकी डिसीजन में थोड़ा बहुत वेट होता है जैसे कि अगर आपको आपकी बड़ी बहन या कोई टीचर या कोई आपका आ, कोई बड़ा कज़न जो है वो आपको कहते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए तो वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ठीक है या फिर ऐसा होता है कि जो कोई दूसरा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप भी वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हो ठीक है उसके बाद आ जाते हैं एक और रोल जिसको हम कहते हैं डिसाइडर decider. डिसाइडर्स वो होते हैं जिन्होंने अल्टीमेटली डिसाइड करना होता है कि मुझे परचेज़ करना चाहिए वेदर टू buy, what टू बाय हाउ टू बाय और वेयर वे टू बाय कहाँ से बाय करूँ ये बेसिकली वो पर्सन है जो कि डिसाइड कर रहा है कि मुझे परचेस करना है या नहीं कहाँ से करना है कब करना है और किस तरह से करना है ठीक है उसके बाद एक रोल आता है आपके पास बायर का बायर वो यूज पर्सन है जो कि एक्चुअली परचेज कर रहा है ठीक है और एंड पर एक और हमारे पास रोल आता है यूज़र का जो एक्चुअल में उस प्रोडक्ट को यूज़ करता है ये पांच रोल्स हैं हो सकता है कि इनिशिएटर इन्फ्लुएंसर डिसाइडर बायर और यूज़र जो है वो एक ही पर्सन हो और ये भी हो सकता है कि ये रोल्स डिफरेंट पर्सन मिलकर परफॉर्म कर रहे हूँ ठीक है तो जो भी अभी हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं वो इन सब रोल्स की बेस पर होता है कि आपने डिसाइड करना है कि परचेस करना है कि नहीं करना और इन सब को अगर हम देखें कि एडवर्टीज़मेंट और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है जब एक इंडिविजुअल रोल प्ले कर रहा होता है और दूसरी चीज़ ये है कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको मल्टीपल साइट्स वहाँ पर दिख रही होती हैं तो उनमें से भी चूज़ करना कि कहाँ से परचेज़ करूँ कहाँ से नहीं करूँ वो भी डिफ़िकल्ट होता है ठीक है तो हम यहाँ पर एक दो मॉडल्स पढ़ेंगे डिसीजन मेकिंग के फ़र्स्ट मॉडल जो है वो बहुत ईजी है और वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं मार्केटिंग भी हमने पढ़ा है इसको हमने पीछे भी चैप्टर में जो है वो रिवाइज़ किया था सो तो ये सबसे जनरल और बेसिक मॉडल है परचेजिंग डिसीजन मेकिंग है मॉडल है कंज्यूमर्स के लिए जो कि फाइव स्टेजेस हैं जिसमें आपके पास नीड रिकगनाइजेशन स्टेज आ जाती है इंफॉर्मेशन सर्च स्टेज आ जाती है ऑल्टरनेटिव इवेल्यूशन परचेज डिसीजन पोस्ट परचेज एवेलुएशन ये फाइव स्टेज़ज मॉडल है जो कि हमने काफ़ी दफ़ा पढ़ा है ठीक है अब स्टार्टिंग पे जो नीड रिकगनाइजेशन इन्फॉर्मेशन सर्च है ये आपका सोशल इन्फ्लुएंस है ठीक है जब आप ऑल्टरनेटिव इवेलुएट कर रहे होते हो तो ये मार्केटिंग इन्फ्लुएंस है परचेजिंग डिसीजन करना और पोस्ट परचेज वेल्युएशन करना आफ्टर परचेज़ अपना जो है बिहेवियर शो करना वो सिचुएशनल इन्फ्लुएंस है ठीक है वन बाय वन इसको हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सो इस बाइंग प्रोसेस में हमारे पास फर्स्ट स्टेज आ जाती है रिकग्नाइजेशन ऑफ़ नीड हर ह्यूमन की एक स्टेट होती है जिसमें वो बैलेंस होता है मतलब जब आपकी हर डिज़ायर पूरी हुई होती है आपको किसी भी चीज़ की नीड नहीं होती लेकिन कोई भी ह्यूमन हमेशा बैलेंस स्टेट में नहीं होता हमेशा हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो चाहिए होती है हमारे हमारे अंदर कोई ना कोई डिज़ायर होती है जो कि डिज़ायर से नीड में जो है कन्वर्ट होती रहती है तो हम फर्स्ट स्टेज को डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम रिकेगनाइजेशन स्टेज में हम ये देखते हैं कि देर इज़ अ डिज़ायर्ड स्टेट एंड एक्चुअल कंडीशन ऑफ द ह्यूमन्स डिज़ायर्ड स्टेट को हम अचीव करना चाहते हैं यहाँ पे हमारे मार्केटर का गोल यही होता है कि वो जो इम्बैलेंस है कंज्यूमर की दोनों स्टेट्स में सेटिसफाइड और अनसेटिसफाइड जो स्टेट है उसका जो गैप है उसको जितनी जल्दी हो सके और जिस तरह से बेटर हो सके उसको फिल कर सके ठीक है जो भी कंज्यूमर उस गैप uh, को फिल कर सकता है यानी कि एक इंटेंडेड स्टेट है आपकी जिसको आप अचीव करना चाहते हो दूसरी आपकी एक्चुअल स्टेज है कंडीशन है उनमें जो गैप आता है वो कंज्यूमर है जो फील करता है यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो उस तरह का प्रोडक्ट बनाता है जो कि आपकी उस स्टेट को सेटिस्फाई कर सके वो आपका गैप जो है वो फुल कर सके जब आप अपनी नीड को रिकग्नाइज़ कर, कर लेते हो आइडेंटिफाई कर लेते हो नेक्स्ट जो है कंज्यूमर को पता चल गया कि मेरी ये नीड है मैंने इसको सेटिस्फाई करना है अगला काम होगा जैसे कि हमने अपनी स्टेज में भी देखा है इंफॉर्मेशन सर्च आप इन्फॉर्मेशन सर्च करना स्टार्ट कर देते हो इन्फॉर्मेशन सर्च इंटरनली भी हो सकती है एक्सटर्नली भी हो सकती है ठीक है डिफरेंट जो है जब हम इन्फॉर्मेशन सर्च करने लगते हैं तो दो तरह के डिसीजंस हमारे कंज्यूमर ने बनाने होते हैं और डिसीजंस क्या कहलाते हैं या तो होती है प्रोडक्ट ब्रोकरिंग प्रोडक्ट ब्रोकरिंग हम कहते हैं जब हमारा जो कस्टमर है वो डिसीजन मेकिंग करता है कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट परचेस करना है जब आप अपने प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव को चेक कर रहे होते वो कहलाता है प्रोडक्ट ब्रोकरिंग दूसरा होता है फ्रॉम होम टू बाय इट किस मर्चेंट से परचेज़ करूँ किस वेंडर से परचेज़ करूँ उसको हम क्या कहते हैं मर्चेंट ब्रोकरिंग ठीक है जब प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे कि कौन सा परचेज करें वो होगी प्रोडक्ट ब्रोकरिंग और कहाँ से परचेज़ करें वो होगी मर्चेंट ब्रोकरिंग अब ये दो तरह के डिसीजंस हैं जो कि हमारे कंज्यूमर ने बनाने हैं इन दोनों को डिसीजंस uh, को जो है फुलफ़िल uh, करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन सर्च की ज़रूरत है दोनों सेपरेट हैं दोनों इंटर रिलेटेड भी हो सकते हैं <coughs> अब इंफॉर्मेशन सर्च इंटरनली भी हो सकती है एक्सटर्नली भी हो सकती है और दोनों भी हो सकती है इंटरनली In, uh, जब आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे होते हो तो या तो आप अपनी इंटरनल uh, मेमोरी से रिकॉल कर रहे होते हो अपने एक्सपीरियंसेस को देख रहे होते हो अपने अंदर की जो इंफॉमेशन है ना जो इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन है आप उसको रिकॉल करते हो दूसरी साइड पे आ जाते हैं आपके पास एक्सटर्नल सर्च एक्सटर्नल में आपके पास ग्रुप्स मार्केटिंग पब्लिक एक्सपेरिमेंटल आपके कैटलॉग्स आपके एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस रेफरेंस ग्रुप्स वो सारे लोग आ जाते हैं ठीक है उसके अलावा आप, आपको डिफरेंट सर्च इंजनस ऑनलाइन मिल जाते हैं जैसे कि कंपेयर डॉट नेट है वो आपको हेल्प करते हैं प्रोडक्ट्स को सर्च करने में मतलब आप ऑनलाइन किसी भी तरह की इफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हो डिफ़रेंट इंजनस को यूज़ करते हुए ठीक है जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हो और उसके बाद जो है आप जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाओगे आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगे दैट्स आर द थर्ड स्टेज विच इज़ एवेलुएशन ऑफ अल्टरनेटिवस जब आपने इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है ना तो आपको प्रोडक्ट भी मल्टीपल मिल जाने हैं वेंडर्स भी मल्टीपल मिल जाने हैं तो हमारा काम यहाँ पर यही है कि कौन सा प्रोडक्ट कौन सा वेंडर ये चूज़ करना यहाँ पर हम डिफरेंट आल्टरनेटिवस को इवेल्यूएट करेंगे उनको डिफरेंट जो है प्रॉस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो बेटर सेटिसफाई uh, करता है मेरी नीड को और उसके अलावा मेरे uh, मतलब बाकी सारे फैक्टर्स को भी देखेंगे आप ठीक है आप अपना एक क्राइटेरिया सेट कर लोगे कि ये ये फ़ीचर्स होने चाहिए जोन सा प्रोडक्ट उस क्राइटेरिया को सबसे ज़्यादा फुलफ़िल करेगा आप सारे अल्टरनेटिवस को कंपेयर करोगे और फिर जोन सा बेस्ट सूट करता है और बेस्ट आ, आ, फिट होता है आपके क्राइटेरिया में उस प्रोडक्ट को आप चूज़ कर लोगे नेक्स्ट आ जाता है आपके पास परचेस डिसीजन जो आपने चूज़ कर लिया है आपने एक्चुअली उसको परचेज़ करना है और उसके बाद परचेज़ करने के लिए आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो या फिर पेमेंट ऑन डिलीवरी करते हो वो आपकी चॉइस है और उसके बाद पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन जब आप परचेस कर लोगे उसके बाद आपने देखना है कि आप सेटिस्फाइड हो या फिर नहीं और उसके अलावा मेंटेनेंस भी आपकी पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में ही आता है ये एक बेसिक मॉडल है जो कि कंज्यूमर इस तरह से परचेसिंग करता है उसको हम मल्टीपल टाइम्स पहले भी पढ़ चुके हैं